तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। मैं एकदम से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, एकदम सेवन प्लान बना था। तो आज की जो वीडियो है वो भी सिर्फ रेसिपी बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं चिल्ली पनीर। तो आप लोग इस वीडियो के साथ लंबे समय तक बने रहिए, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करेंगे तो फिर सारी चीजें कम होती जाती है, यू ऑल नो दैट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी मम्मी, एज यू ऑल नो। हाय मामा। हेलो गाइस, और कैसे हो आप सब लोग? आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आप सब लोग कैसे हो। तो आज हम लोग बनाने वाले पनीर चिल्ली, चिल्ली पनीर। तो आपने क्या क्या ऐड करा इसके अंदर, आप प्लीज बता सकते हैं? मैंने पहले पनीर ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और गाइज मैंने इसके अंदर देगी मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड करा है हम लोगों ने। यस, और गाइज मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैदा डाल दिया है। मैदा गाइज और इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा पनीर थोड़ा सा वो मतलब गीला गीला सा हो जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले। तो गाइज इसको हम मैश कर देते हैं। देख लीजिए, जैसे आप देख सकते हो पनीर के पीसों में सारा मसाला लग चुका है। तो गाइज ये मिक्स होकर कुछ ऐसा हो चुका है। हम लोगों ने वेजिटेबल्स बारीक कटी हुई नहीं है, मतलब ऐसे शेप में काटी, एक साइड अनियन है, शिमला मिर्च है, अंदर अदरक है। आप लोगों को गाइज अगर इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर नहीं पता चला है, बिकॉज हम लोगों ने पहले से मिक्स कर लिया था, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर सारे का सारा बताऊंगी जो जो इसमें एज इट इज लाइन वाइज मिक्स हुआ है। तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, जो अच्छे से मसाले जो हमारे हैं अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे पनीर में। अब आप ये क्या कट कर रहे हो आप? ये देख सकते हो आप, ये हमारी हरी मिर्ची है, इसको हम थोड़ा सा वैसे शेप में काट लेंगे, थोड़ा स्पाइसी के लिए, क्योंकि हम लोग स्पाइसी पसंद करते हैं खाना। यस गाइस, हम लोग स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक चटपटा ना हो, हल्का सा भी नमक कम हो, तो हम लोग तो भाई उसी टाइम डलवाते हैं, पर बिना नमक कम के खाना नहीं खाते हैं। तो गाइस अगर आपको और भी चीजों की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग जरूर देने का ट्राई करेंगे। अभी धीरे धीरे, मतलब ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है ये मिक्स है, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें देखने के लिए, आपको जगह के टूर भी मिलेंगे, आपको मेकअप से रिलेटेड चीजें, फूड से रिलेटेड चीजें, हर चीज मिलेगी आपको, ऑल इन वन है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली सब सिर्फ कुकिंग का ही है, लाइक सब कुछ चीजें मिक्स है। अगर आपको जैसा आपका मन करे जैसा ब्लॉग देखना हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने सजेशन देना, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बेसिस पे ही अपना चैनल और आगे ग्रो कर सकती हूँ। तो गाइस हम इसको धीरे धीरे देख सकते हो आप, इसको डीप फ्राई कर रहे हैं गाइस, एक एक पीस करके। आप लोग एक पीस करके करना, बिकॉज अगर साथ में करोगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो ये खिले खिले बनेंगे। अभी देखिए मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई कर रही हूँ इनको, कितना प्यारा कलर आया है देख सकते हो आप। बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करो, कलर देखिए गाइस कितना प्यारा आ रहा है इस पर, कितना अच्छा कलर आ गया है, और अच्छे से आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो गाइस आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, वाओ गाइस, तो बाहर निकाल लीजिए। बाकी जो बचे हैं हमारे पीसेस उसको भी हम डीप फ्राई कर देंगे। गाइस अगर एक में ना आए तो कंजस्टेड मत करना, अलग अलग ही करना, क्योंकि हम लोगों ने उसको अलग से कर लिया, फिर इनको अलग से कर रहे हैं, पर अलग अलग करके खिला खिला कर अच्छे से फ्राई करना। ऐसे बस चुपके ना, आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, हम पे ये वाली कढ़ाई है, इसे बड़ी भी है गाइस, पर कोई बात नहीं, आप दो बार में भी कर सकते हो। गाइस देख सकते हो आप पनीर मेरे कितने अच्छे फ्राई हो गए, कितना प्यारा कलर, अच्छा कलर आ गया है गाइस, देखिए कितना क्रंची बने हैं। अभी आपको मैं अंदर से इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी गाइस। देखिए गाइस इसमें से कितनी अच्छी आवाज आ रही है, देख रहे हो आप गाइस, क्रिस्पी बने गाइस, ये देखिए सब गाइस, अभी थोड़ा गर्म है ये, तो मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना प्यारा, बहुत ही क्रिस्पी बने गाइस ये, आप देख सकते हो। बाकी गाइस हमारा ये सब तैयार हो गया। अब ये गाइस इसकी चिल्ली पनीर की सॉस है, ये है विनेगर, एक है आपकी रेड चिल्ली और एक है सोया, जो कि आपके नेचुरली अगर आप चिल्ली पनीर बनाओगे, चिल्ली पटाटो बनाते हो, चाउमीन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ए वाई जेड, तो आपकी ये सब चीजें चाइनीज फूड में ये सब चीजें डलती है। बाकी और हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम चिल्ली पनीर तो बन ही रहे हैं हम लोगों के साथ हम लोगों ने राइस भी इधर बॉईल कर लिया, बिकॉज इसके साथ तो फ्राइड राइस काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप फ्राइड राइस की जो ड्यूटी है वो मेरी है। तो गाइस पनीर की जो रेसिपी है वो तो आपको मिली रही है, साथ के साथ फ्राइड राइस बन रहे हैं, बिकॉज फ्राइड राइस जो है साथ बहुत टेस्टी लगेगी, तो वो तो मैं। तो गाइस फ्राइड राइस हम बना चुके हैं, अब हम लोग पनीर जो है उसको, चिल्ली पनीर की जो बाकी की
चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच सोया सॉस डालूंगी, पहले से इसको कटोरी में तैयार कर लेंगे। और गाइस ये है थोड़ा सा, गाइस मैं इसमें सिरका डालूंगी, देख सकते हो थोड़ा सा डालें गाइस, क्योंकि ज्यादा खट्टा लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे तो हमें बिल्कुल नहीं। और गाइस ये है चिल्ली सॉस, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसा आपको पसंद है। ज्यादा स्पाइसी है चाहिए तो ज्यादा डालें, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो उसके हिसाब से। गाइस देख लो उसको, गाइस देख सकते हो आप इन सब तीन, गाइस देख सकते हो आप ये सब सामान मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और स्पाइसी मिर्च, और ये सब मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, मैंने अपनी आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। बस गाइस अब थोड़ा सा तेल जरा हम गर्म होने देते हैं, जिसको कहते हैं केचप, तो मैं थोड़ा भूल गई थी गाइस, इसके अंदर थोड़ी सी आप 1 चम्मच केचप भी डालें, वो मैं भूल गई थी। अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो उसके अंदर केचप डालें, अगर अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ना डालें। चलो गाइस अब थोड़ा सा गैस को आप सिम रखें, देख सकते हो हल्का सा, जलाना नहीं है, ब्राउन होने दे हल्का सा, उसके बाद हम अपनी गाइस प्याज डालेंगे। इसके साथ साथ गाइस हम हरी मिर्ची और जो ये हमारी शिमला मिर्ची हम इसको भी डाल देंगे। गाइस ज्यादा पकाना नहीं है इसको, हल्का हल्का क्रिस्पी करना है बस, क्योंकि ये जब मुंह में आता है तो खाने में टेस्ट और अच्छा आता है, तो ज्यादा पकाना नहीं है। बस एक दो सेकंड के लिए गाइस इसको पकाएं। गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हम लोगों ने वाटर के साथ थोड़ा मिक्स कर लिया है इसको, ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा मतलब किसी मोमोज वाली चटनी थी तो मैंने ये भी डाल दिया है, देख सकते हो आप। और अब ये हम ये डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, गाइस हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। गाइज अब हम लोग कर रहे हैं अपना पनीर मिक्स, ये हम लोगों के बनके तैयार होने वाले हैं ड्राई चिल्ली पनीर। गाइज मुझे तो ड्राई पसंद आता है, ग्रेवी कम आता है, क्योंकि मुझे रूखे खाने बहुत पसंद है। देख सकते हो गाइज आप, इसको थोड़ा ड्राई खाना था तो इसलिए हमने ड्राई बना दिया, अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाला खाना है तो आप इसके अंदर ग्रेवी भी कर सकते हो। गाइस अब हमने इसके ऊपर ये गार्निशिंग के लिए डाल दी है, तो ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है और इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है, देख सकते हो इसको बीच में कितने अच्छे से मिक्स हुआ है ये पनीर, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने पे मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। अब हम करते हैं इसकी सर्विंग। गाइस पहले हम लोग करते हैं पनीर टेस्ट, कैसा बना है गाइस, बहुत यम्मी है, बहुत ज़्यादा एकदम बाहर जैसा लग रहा है, जैसे हम जाते हैं ना कैफेज वगैरह में, सेम वैसी टेस्ट का लग रहा है। मैं इसको राइस के साथ खा के देखती हूँ, गाइस देख सकते हो इसको तो बहुत ही अच्छा यम्मी लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस, प्लीज़ डू ट्राई, ये बहुत टेस्टी बना है, मुझे एकदम माइंड ब्लोइंग, इसका एक एक जो भी टेस्ट आ रहा है एकदम खिल के आ रहा है। एंड पनीर पूरी तरीके से लग ही नहीं रखे, मतलब मुझे पनीर ऐसे रूखा पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा के मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, पूरा बाहर वाला टेस्ट आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करो, बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो गाइज
अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करना, आपको और रेसिपीज चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।